वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक गेमर। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको मिल सके हर एक इवेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज इस वीडियो पे देखेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल पे कैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं आप। तो मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो हो सकता है, मतलब मैं जो कुछ आपको बताऊँगा तो उनमें से यूज़ कीजिएगा, हो सकता है आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए। और इसी टॉपिक्स पर मैं पहले भी यूट्यूब चैनल को कैसे मतलब ग्रोथ करना है इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए, गेमिंग चैनल के लिए सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आपको लाइव स्ट्रीम करना है। लाइव स्ट्रीम तो यूट्यूब का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है तो आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर से पहले आप लोग लाइव स्ट्रीम मत कीजिएगा, 1000 कंप्लीट होने का बात कीजिएगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा मतलब ओनली वीडियो डाल के आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आप लाइव स्ट्रीम कीजिएगा। और आपका वीडियो का ड्यूरेशन मतलब कितना ज़्यादा लंबा, उतना ज़्यादा लंबा में भी मत कीजिएगा, 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का अंदर कीजिएगा। ज़्यादा लंबा अगर वीडियो आप करेंगे तो आपका वीडियो देखने के लिए कोई नहीं आएगा, तो इसलिए अब आपका वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिएगा, और मतलब क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा। और अपना वीडियो पे एंड स्क्रीन पे भी आप लोग वीडियो का एंड स्क्रीन पे आपका दूसरा वीडियो डाल सकते हैं, वो मेरा कुछ वीडियो पे है वो जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन जो है ना, सब्सक्राइब बटन का जो वाटरमार्क होता है या फिर जो बैनर होता है वो आपका वीडियो पे डालिएगा। कुछ भी करके आपके आपको आपका व्यूअर्स को बताना होगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए जब व्यूअर्स लोग आएंगे आपका चैनल पे आएंगे, आने के बाद उनको आपका चैनल हो सकता है बहुत ही अच्छा लगा है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे, तो इसके लिए आपको ये आपका चैनल पे कहीं पे वाटरमार्क डाल के सब्सक्राइब नाउ बोलना है, या फिर आपको खुद बोलना है सब्सक्राइब नाउ, तब जाके व्यूअर्स लोग आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग, हम लोग भी जाते हैं कभी कभी, कोई किसी चैनल का वीडियो हमें बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन उसी टाइम अगर उस वीडियो का जो ओनर है उसने अगर हमें मतलब बताया अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसीलिए आपको चैनल पे मतलब कुछ भी हिंट देना पड़ेगा, व्यूअर्स को कुछ भी हिंट देना पड़ेगा कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तब जाके कोई भी बंदा आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह ही आपको सब्सक्राइबर मिलेगा। तो मेरा वीडियो पे देखिएगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर मिल रहा है। और आपको आपका वीडियो मतलब चैनल का जो वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा करना है और क्वांटिटी बोल सकते हैं, मतलब रेगुलर वीडियो छोड़ते जाइए, कम से कम डेली एक वीडियो छोड़िएगा तो आपका सब्सक्राइबर मिलेगा। उसके बाद जो व्यूअर्स रहेंगे, व्यूअर्स कहीं पे भी आपका वीडियो पे कमेंट करें तो उनका कमेंट पे जरूर रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। जब आप किसी व्यूअर्स मतलब व्यूअर्स ने आपका चैनल पे कमेंट किया है उस कमेंट पे रिप्लाई करेंगे, आप उसका कमेंट का रिप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो व्यूअर्स फिर से आपका वो रिप्लाई देखने के लिए आएगा, तो इसी तरह आपका किसी एक वीडियो का व्यूज़ इंक्रीज़ होगा। जब व्यूज ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो मतलब उस वीडियो सर्च इंजिन पर आसानी से आपका पहुँच जाएगा, तो सर्च करने से जिस वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा रहता है सर्च में उस वीडियो को पहले दिखाया जाता है, तो इसी तरह व्यूज़ इंक्रीज़ होगा तो वो भी सर्च करने से आपका वीडियो मिलेगा, तो आपका वीडियो पर आने से। और कभी भी सब्सक्राइबर के लिए आप किसी भी यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल पे आपका चैनल का लिंक मत डालिएगा, लिंक डालने से आपका चैनल पे प्रॉब्लम हो सकता है, लिंक मत डालिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके किसी का वीडियो पे, ऐसे बार बार मत बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा मत कीजिएगा, मैं पहले भी एक बार बताया हूँ इसके लिए, मतलब ऐसे किसी चैनल पर अपना चैनल मतलब चैनल का प्रमोशन के लिए क्या करना है मैं प्रीवियस एक वीडियो पर बोल चुका हूँ, तो मेरा जो प्रीवियस यूट्यूब चैनल का ऊपर जो वीडियो है उस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा। और आपका वीडियो को हमेशा आप शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर जितना भी सोशल मीडिया है उन पे शेयर कीजिएगा, और अपना आपका जो व्यूअर्स है उनको भी बोलिएगा कि शेयर करने का, तो शेयर करने से कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए उस शेयर के वजह से, तो इसी तरह हमेशा अपना वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना जो व्यूअर्स है उनको भी अपना वीडियो पर बोलिएगा कि शेयर करने के लिए, और आप भी मेरा जितना भी वीडियो पर आप देखेंगे उन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप और ट्विटर पर शेयर कीजिएगा। और आप किसी भी गेम का नेगेटिव साइड दिखाने का कोशिश मत करना, नेगेटिव साइड दिखाने का कोशिश करने के चक्कर में हो सकता है उस गेम का कंपनी जो है वो आपको स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि गेम आप खेल रहे हैं सही है लेकिन वो गेम किसी और का है, गेम का ओनर कोई और है, और आप किसी बग वगैरह मतलब कोई ट्रिक्स वगैरह दिखाने के चक्कर में मतलब वो कोई गेम कंपनी का शायद लॉस भी हो सकता है, जिसका अपना क्या बोल सकते हैं
डिमांड ख़राब हो सकता है आपका चक्कर में, मतलब आपका चक्कर आप दिखाओगे कि वो गेम अच्छा नहीं है या फिर वो बाग साग दिखा सकते हो, तो इस चक्कर में आपको वो कंपनी आपको स्ट्राइक मार सकता है। और अगर आपका चैनल का सब्सक्राइबर और सपोर्टर, आपके पीछे सपोर्टर बहुत सारा सपोर्टर है और बहुत बड़ा चैनल हो सकता है, तो आप लोग ट्रिक्स वगैरह दिखा सकते हो कि कभी भी कोई स्ट्राइक मारे तो आपके सपोर्ट में बहुत लोग खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अगर छोटा चैनल है तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके सपोर्ट पर कोई खड़ा नहीं होगा और आप प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपका सब्सक्राइबर ज़्यादा है और आपके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तब जाके मतलब प्रॉब्लम का सॉल्व जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्राइक हटा सकते हैं। और एक चीज़, कोई भी कंट्रोवर्सी हो गेम के अंदर, किसी भी गेम का कोई भी कंट्रोवर्सी हो, तो उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्सी में पढ़ने से सब्सक्राइबर इंक्रीज होता है, ये सही है, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत सारा, मतलब आपका 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद शायद आप किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा होगा, और अगर आप छोटा चैनल हो तो किसी कंट्रोवर्सी पर पढ़ोगे तो लॉस भी हो सकता, फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फ्री फायर किसी भी गेमिंग चैनल को डेवलप करने के लिए और क्या क्या ट्रिक्स है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिर मैं पहले बोला था स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहिए, न्यू चैनल को स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहिए, और अगर आप न्यू चैनल पे स्ट्रीमिंग करते हैं तो स्ट्रीमिंग करने से आपका मतलब सब्सक्राइबर, स्ट्रीमिंग करने से आप लोग देख रहे हो आपका सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो स्ट्रीमिंग करके आप कैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकते हो, इसका ऊपर और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो पर आ जाएगा। और फिर वीडियो नॉर्मल वीडियो डाल के आपको कैसे सब्सक्राइबर इजीली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, इस मतलब इसी का ऊपर भी और एक वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो शायद बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और मैं आगे और एक वीडियो लाने वाला हूँ ऑन द 5 टिप्स, मतलब बेस्ट सब्सक्राइबर इंक्रीज करने का बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स डालूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और हमारा इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा देना। मैं मतलब आप एक अच्छा गेमर, यूट्यूब गेमर कैसे बन सकता है उसका पूरा ट्रिप्स एंड टिप्स धीरे धीरे डालने वाला हूँ, और मेरा वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आप आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना सकते हैं और आपका चैनल का डेवलप कर सकते हैं, आपको इजीली यूट्यूब का मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, कम से कम टाइम पे आप कैसे आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा, ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे। और एक YouTube चैनल अभी देखिए, हमारा YouTube पे गेमिंग चैनल बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब कितना है वो काउंट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए फुल कंपटीशन है।